हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्लॉक्स टू मेक थिंग में। मैं भावना खंडेलवाल आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है खुशी। जी हाँ दोस्तों, खुशी जीवन की अनमोल सौगात है, लेकिन हम इसे कितना सहज पाते हैं यह हम पर ही निर्भर करता है। खुशी धरती से रिसते हुए उस जल की तरह होती है, जो निरंतर जल के प्रभाव को बनाए रखती है। यदि इस रिसाव को बंद कर दिया जाए तो खुशी रूपी जल का निकलना बंद हो जाता है। धरती में मौजूद जल की तरह खुशी भी हमारे अंदर छिपी रहती है, लेकिन अत्यधिक व्यस्त होने के कारण हम इसका एहसास नहीं कर पाते और अनजाने में खुशी के प्रभाव को अवरुद्ध करते रहते हैं। खुशी जीवन की स्वाभाविकता है, लेकिन जब हम अस्वाभाविक जीवन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी खुशी हमसे छीन जाती है। वर्तमान में हम अपने जीवन में कई सारी अपेक्षाओं को अपनाते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। खुश रहने के लिए दौलतमंद होना जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं हमें कार चाहिए और यदि वो मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि वो यूरोप जाना चाहता है और यदि वो यूरोप चले जाए तो उसे बहुत खुशी मिल जाती है, लेकिन यदि हमारी ये इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम दुखी भी जल्दी होने लगते हैं। इस संसार में सभी व्यक्ति कुछ न कुछ पाना चाहते हैं और यदि मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। यानी हम जिसे खुशी कहते हैं वह है वांछित का मिल जाना। वास्तविक व आंतरिक खुशी यदि हमें पानी है तो हमें अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का प्रयत्न करना होगा, तभी हम सच्ची खुशी के अधिकारी बन सकेंगे। हमारे सोचने और देखने का नजरिया भी हमारी खुशियों के स्तर को तय करता है। किसी घटना या बात को हम जिस तरह से समझते या देखते हैं, हमारा शरीर भी उसी तरह की रासायनिक क्रिया को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी घटना में हम अपने लिए संभावनाएं, खुशियां या उम्मीदें देखते हैं, तो हमारा शरीर उन रसायनों या हार्मोन्स को स्त्रावित करता है, जिसे प्रचलन में हैप्पी हार्मोन्स कहकर पुकारा जाता है। यदि हम परिस्थितियों या वस्तुओं को लेकर अपने देखने का नजरिया बदलकर और अपनी आदतों को सुधारकर अपनी खुशियां आसानी से बढ़ा सकते हैं। खुशियां कभी किसी अलमारी के भीतर रखी पुरानी किताब के पन्नों में मिल जाती है, या कभी पुरानी रखी कपड़ों की पोटली में। कभी कभी पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना पानी रखकर भी व्यक्ति पूरे दिन खुश रह सकता है, या फिर हम दिन भर में आधा घंटा भी प्रकृति के साथ व्यतीत करें तो इससे न केवल हमारा दिमाग शांत व प्रसन्न रहता है, बल्कि थोड़ी देर प्राकृतिक वातावरण में टहलने से हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और ऐसा शारीरिक श्रम भी हमारी खुशियों को बढ़ाता है। वैसे देखा जाए तो खुशी का संबंध मन को सुकून व संतोष देने वाली भावनाओं से होता है। जो विचार हमने मन को असंतुलित करते हैं, वे कभी भी खुशियों से जुड़े हो ही नहीं सकते। हम में से अधिकतर लोग तो यह सोचकर परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप प्रसन्नचित रहना चाहते हैं, तो अपने आप से जुड़े, ना कि लोगों से। खुश रहने और सफल होने के लिए जरूरी है कि दूसरों की परवाह ना करें, वही करे जो आपका मन कहता है। बस कभी भी अपने मन में ईर्ष्या का भाव न रखें, क्योंकि ईर्ष्या ही हमारी खुशियों को कम करने का कारण होती है। आत्मीयता का भाव ही हमारी खुशियों को दोगुना करता है और कभी भी खुशियां हासिल करने से नहीं मिलती, बल्कि देने व बांटने से बढ़ती है। ठीक उसी तरह जैसे संगीत की लहरें हमारे मन को सुकून देती है और शरीर की थिरकन मन को प्रफुल्लित करती है, कभी कभी थोड़ी देर गुनगुनाना भी हमें खुशियों का स्वाद दे देता है और अच्छा संगीत हमें तनाव मुक्त करता है। अच्छे विचारों भावों के संपर्क में रहना भी हमारी खुशियों को बढ़ाता है। इसके साथ ही अच्छे साहित्य में मौजूद भावनात्मक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं भी हमें आंतरिक खुशियां प्रदान करती है। इस प्रकार खुश रहने के कई तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशियां विस्तृत कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास खुश रहने के सबसे अच्छे मित्र हैं। धन्यवाद। आपको यह हमारा विचार कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।